लेंगे जो जाकर किसी और फील्ड को वो सोशल इशू सोशियोलॉजी में फिलोसफी में वो इस तरह से आपकी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इज साइकोलॉजी। अब उसके अंदर आप डिसाइड करते हैं कि आपने एबनॉर्मल साइकोलॉजी का कोई टॉपिक लेना है, आपने सोशल साइकोलॉजी के डोमेन को टच करना है, आपने डेवलपमेंटल के किसी इशू को टच करना है, यू वॉन्ट टू डू द पॉजिटिव साइकोलॉजी जैसे कि लाइफ सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस लोकस ऑफ कंट्रोल और डिफरेंट इस तरह के टॉपिक्स हैं, आपने किस को टच करना है, इट डिपेंड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड विद एंड ऑल्सो विच शुड ऑल्सो बी अलाइन विद योर सुपरवाइजर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैंने ऐसे करना है, सुपरवाइजर के साथ आपने लेकर चलना है, उनके कॉन्सेंट को साथ लेकर फिर आपने ये करना है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी स्पेसिफिक होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर नहीं होते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव हमेशा बुलेटेड फॉर्मेट में होते हैं, क्लियर होते हैं। आपने कहा है मैंने सेटिस्फेक्शन लाइफ सेटिस्फेक्शन लेट से आप एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर कि टू स्टडी दी लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वेल डिफाइंड जो कि बता रहा है कि आपकी स्टडी का मकसद ये है कि आपने लाइफ सेटिस्फेक्शन को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर स्टडी करना है। Then the select the sample and data collection tool as per your convenience. जैसे भी मैंने आपको बताया कि ऐसा डाटा आपने टाइटल सेलेक्ट करना है क्योंकि टाइटल की ही और आइडिया की बेस पर आपका डाटा सैंपल डिपेंड कर रहा है और सैंपल की बेस पर आपका डाटा कलेक्शन बेस्ड कर रही है, तो ऐसा सैंपल जो कि आप कन्वीनियंटली आराम से अपने इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स में ले सकें, जिसकी आपको परमिशन भी हो, जो अप्रोचेबल भी हो, जो कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट के अकॉर्डिंगली भी हो और उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी ना आए, तो इस तरह का आपने डाटा कलेक्ट कर सेलेक्ट करना है। ओके प्लीज गिव मी अ मिनट। ओके सॉरी देन ट्राई टू मेक योर डॉक्यूमेंट एज मच अपीलिंग एज यू कैन, द मोर फाइनली कंपाइल योर डॉक्यूमेंट विल बी द मोर इट बी चांस टू पासिंग द कोर्स। आपका डॉक्यूमेंट ये स्टूडेंट्स के मेरा एक बहुत बड़ा कंप्लेंट होता है हर टीचर हर सुपरवाइजर के स्टूडेंट्स के साथ और यहाँ पे सारे सुपरवाइजर्स इस चीज को अग्री करेंगे कि आप लोग जब डॉक्यूमेंट अपना प्रोवाइड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं भेजते हैं अपनी प्रपोजल भेजते हैं तो वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती है, वेल रिटन नहीं होती है, वेल फॉर्मेटेड नहीं होती है। आप अपने काम को प्रेजेंट कर रहे हैं और आपका काम का मतलब यह है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं सुपरवाइजर के आगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली फॉर्मेट करके अपने डॉक्यूमेंट को जो इंस्ट्रक्शंस आपकी गिवन है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जो टेम्पलेट अवेलेबल है उसके अंदर ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट गिवन है कि किस तरह से आपने कौन सा फॉन्ट साइज यूज करना है, आपका फॉन्ट टाइटल क्या होना चाहिए, कौन सी आपने हेडिंग बोल्ड रखनी है, कौन सी हेडिंग आपकी सिंपल होनी चाहिए, आपका पैराग्राफ जस्टिफाइड होने चाहिए, आपने टेबल फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, तो अपने डॉक्यूमेंट को मेक योर डॉक्यूमेंट मोर अपीलिंग फॉर द सुपरवाइजर सो दैट इट इज विल बी कन्वीनियंट फॉर द सुपरवाइजर टू रीड योर डॉक्यूमेंट और फिर उसमें के चांसेस बहुत और भी ज्यादा होते हैं। ऑब्वियसली आपका काम तो है ही, अगर सही होगा तो पास होगा, लेकिन उसमें आपके रीडर को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है, उसको पढ़ने में आसानी होती है, तो अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर और मोर अपीलिंग बनाया करें। Then the proposal writing, the important points of the proposal writing, सबसे पहले आपने choice of a topic है कि आपने topic किस तरह का choice करना है, कौन कौन सा title किस तरह का आपको होना चाहिए, common research areas in psychology, आपका literature review क्या है, choice of participants, then choice of major आपने और choice of analysis, ये कुछ important points हैं जो अभी आपने proposal writing के लिए सिर्फ इन चीज पर काम करना है। सबसे important चीज है topic की selection क्या है, topic की selection जैसे पहले बात की, topic clear होना चाहिए, आपने काम ऐसा करना है जो
डिफरेंट हो, आपने काम ऐसा करना है जो यूनिक हो, जो काम ऐसा करना है जो अभी तक जिसके ऊपर काम ना हुआ हो ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक अगर हम नॉर्मली ले लेते हैं कि सेल्फ एफिकेसी, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर स्टूडेंट ले आता है, क्योंकि उसके आपको स्केल इजिली मिल जाता है, उसके डाटा इजिली मिल जाता है कि सेल्फ एफिकेसी अमंग स्टूडेंट. तो आपने अगर आप सेल्फ एफिकेसी पे भी फॉर एग्जाम्पल काम करना चाह रहे हैं, तो आपका टॉपिक ये होना चाहिए जिसके अंदर थोड़ा डिफरेंट हो, जो इस पर अभी तक काम ना हुआ हुआ हो, आपने उस तरह का टॉपिक सेलेक्ट करना होता है. अब टॉपिक्स आर लॉट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, आपके जहन में होगा कि टॉपिक होगा क्या, टॉपिक आएगा कहाँ से. तो टॉपिक की सिलेक्शन आपके LMS में भी टॉपिक की लिस्ट अवेलेबल है, और उसके अलावा आप लिटरेचर रिव्यू स्टडी करते हैं, आप डिफरेंट जर्नल्स रिसेंट लिटरेचर देखते हैं, डिफरेंट जर्नल्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जर्नल्स को विजिट करते हैं कि कौन सी रिसर्च हुई हुई है, कौन सी रिसर्च का ट्रेंड चल रहा है, कौन सी रिसर्च के ऊपर आजकल ज्यादा काम हो रहा है. बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक, बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज आपको वहां से मिल जाते हैं. आपको अगर मैं एग्जाम्पलीफाई करना शुरू करूँ, आप फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरेस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ है, तो आप डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कर सकते हैं. आपका इंटरेस्ट एबनॉर्मल की तरफ है, तो आप डिफरेंट डिप्रेसिव सिम्टम्स के ऊपर, आप स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के ऊपर, आप जो है डिफरेंट साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स के ऊपर, डिफरेंट उनके केयर गिवर्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं. अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो आपके उसमें बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स हैं. आप हैप्पीनेस है, आप लाइफ सेटिस्फेक्शन है, सब्जेक्टिव वेलबींग है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, लर्निंग स्टाइल्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिनको अभी तक ज्यादा टच नहीं किया गया है इन आर कंट्री स्पेशली, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, या इन स्पेशली इन आर यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें पर्टिकुलरली. स्टूडेंट्स सिर्फ एक लिमिटेड टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन डिफरेंट तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर किसी टॉपिक के अंदर आप देखते हैं, लिटरेचर में आप ढूंढ रहे हैं, आपको लगता है आपको फ्लैट से आपको कोई सब्जेक्टिव वेलबींग या आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक अच्छा लगा, और आपने देखा है कि टीचर्स की इमोशनल इंटेलिजेंस की फाइंड आउट हुई हुई है, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स की नहीं देख सकते हैं, आप इमोशनल इंटेलिजेंस वर्किंग एंड नॉन वर्किंग फीमेल्स की देख सकते हैं. अगर टीचर्स के अंदर वो हुआ हुआ है, तो आप बैंकर्स में वो स्टडी देख सकते हैं. तो आप अपनी रिसर्च की स्टडी जो आपने अपनी निकालनी है, या आपने अपना एसेंस उसमें से निकालना है, आप आइडियाज जरूर लेते हैं डिफरेंट रिसर्च से, लेकिन उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने आइडियाज को या अपनी नॉवेल्टी को, कि आप इस टॉपिक को, आप इस आइडिया को किस तरह से इनकॉर्पोरेट नए तरीके से कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. इस तरह आपने अपनी, फिर उसके बाद अगर आपको कोई आइडिया समझ आता है, आप सुपरवाइजर से डिस्कस करें कि मुझे ये चीज सही लग रही है, क्या मैं इसको इस तरह से कर सकती हूँ, और फिर सुपरवाइजर के कॉन्सेंट के साथ अपनी चॉइस कर सकते हैं अपने टॉपिक की सिलेक्शन की. तो इस तरह से आपको क्या चीजें मैंने बताई हैं, कि आपने डिफरेंट लिटरेचर रिव्यू पढ़ना है, आपने डिफरेंट जर्नल्स को एक्सप्लोर करना है, आपने सुपरवाइजर से भी आइडियाज लेने हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद भी कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हम किस टॉपिक पे क्या काम कर सकते हैं. हो सकता है कि आपको 3-4 स्टडीज ऐसी लगे, अच्छी लगे, कि जिसके हर स्टडी का एक वेरिएबल आपको अच्छा लग रहा है, आप उसमें से अपनी स्टडी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि मुझे इसमें से सब्जेक्टिव वेलबींग अच्छा लगा है, दूसरी में से मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा लगा, और तीसरी में मैं अगर देखूं तो मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर ये करना है, तो ये दो काम अभी तक स्टूडेंट्स पे नहीं हुए हुए और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे नहीं हुए हुए, तो मैं ये काम इस तरह से कर लेती हूं. या मैं देखती हूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो मैयर की हुई है स्टूडेंट्स की, लेकिन अभी तक कन्वेंशनल और उसमें जितना लिटरेचर पढ़ा है उसमें नहीं है, तो मैंने उसको ले लिया. तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से अपने यूनिक, अपने अच्छे आइडिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट रिसर्चेस. फिर लिटरेचर रिव्यू आ जाता है. लिटरेचर रिव्यू अगेन आपकी रिसर्च का, डिफरेंट रिसर्चेस का जो हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं कि हर रिसर्च के अंदर क्या काम हुआ हुआ है और वो रेलिवेंट है आपकी रिसर्च के साथ, उसको हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं. या सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, जो प्रीवियस लिटरेचर, प्रीवियस रिसर्चेस अवेलेबल हैं, वो कहाँ पर अवेलेबल हैं, किस तरह से हुई हैं, आपने उन सब रिसर्चेस को कम्बाइन करना है और उसकी बेस के ऊपर अपना लिटरेचर रिव्यू लिखना है. मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस अमंग फॉर एग्जाम्पल ई लर्नर्स, और मैं कन्वेंशनल में देख रही हूँ, तो अब मैं ई लर्नर्स पे जितनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे स्टडीज हुई हैं और जितनी कन्वेंशनल पे हुई हैं उन दोनों, और जितनी उन दोनों को मिलाकर हुई हैं, मैं उनको निकालूंगी और उनकी बेस के ऊपर मैं अपना लिटरेचर रिव्यू लिखूंगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि कितनी रिसर्चेज इसमें ऐड करनी है. देखें, वी कैन नॉट से द डेफिनेट नंबर ऑफ रिसर्चेज दैट यू नीड टू ऐड इन योर लिटरेचर रिव्यू सेक्शन. हम उसको कोई एग्जैक्ट लिटरेचर रिव्यू, आप 2 पेजेस पे भी हो सकता है, आपका लिटरेचर रिव्यू 10 पेजेस पर भी हो सकता है. डिपेंड ऑन द टॉप ऑफ योर सिलेक्शन, आपने क्या टॉपिक सेलेक्ट किया, आपका वेरिएबल एक है और आपने 2 पॉपुलेशन ली हैं, तो डेफिनेटली आपका लिटरेचर रिव्यू उसके अकॉर्डिंगली होगा. बट यू हैव मोर देन 2 वेरिएबल्स एंड यू हैव मोर देन 2 पॉपुलेशन, तो फिर आपका लिटरेचर रिव्यू उस पर बेस करेगा. वी कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेजेस और एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिसर्चेस, लेकिन मैक्सिमम आपने 10, 15, 20 रिसर्चेस अपने लिटरेचर रिव्यू में ऐड करनी होती है. एंड ऑल दीज रिसर्चेस
शुड बी अपडेटेड, ये आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर रिसर्च कर रहे हैं आज 2024 में, तो आपका लिटरेचर रिव्यू 10-15 ईयर्स पर बैक के ऊपर बेस होना चाहिए, कि आप 2015 से ऑनवर्ड, 2010 और 2015 से ऑनवर्ड आपने मैक्सिमम रिसर्च लेनी है अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर. देन द चॉइस ऑफ द पार्टिसिपेंट और सैम्पल, अगेन लिटरेचर आपके टॉपिक के ऊपर ही आपका सैम्पल की डिटर्मिनेशन होती है, कि आप किस तरह के पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं, किस तरह से सैम्पल ले रहे हैं. बेसिकली सैम्पल सिलेक्शन जो होती है वो आपने नैरो डाउन करना होता है अपनी पॉपुलेशन को, और जितना मैक्सिमम आप नैरो डाउन करते हैं उतना ही आपकी रिसर्च के अंदर क्लैरिटी आती है. अगर मैं ये कहूँ कि पूरा पाकिस्तान इस टाइम आपकी पॉपुलेशन है, दिस इज द कंप्लीट विंडो, बट व्हेन यू फॉर मैं कहती हूँ मैंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे सेलेक्ट करना है, तो मेरे पाकिस्तान के तमाम जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज द पॉपुलेशन. फिर मैं उसको नैरो डाउन करना शुरू करती हूँ कि मुझे सिर्फ पंजाब से लेना है और मुझे सिर्फ सिंध से लेना है, और फिर पंजाब में मैं लाहौर में रहती हूँ तो मुझे लाहौर से अपना डाटा कलेक्ट करना है. अब लाहौर की मैंने आई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ले रही हूँ या प्राइवेट ले रही हूँ, मैं कहती हूँ मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज लेनी है, तो मेरा डाटा और नैरो, सैंपल और नैरो हो जाएगा कि मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लेने हैं. फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के अंदर भी मैं कहती हूँ कि मुझे ओनली फीमेल्स चाहिए या मुझे ओनली मेल्स चाहिए, या मैं सिर्फ ये दो यूनिवर्सिटीज लेती हूँ. तो आप अपने सैंपल के पॉपुलेशन को सैंपल मिलाने के लिए उसको नैरो डाउन करते हैं और मोर स्पेसिफिक करते हैं, फिर आपकी पार्टी सैंपल सिलेक्शन होती है. फिर आपको पार्ट सैंपल के अंदर ही आपको जब हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करें या अपने डेमोग्राफिक्स बताएं, तो योर डेमोग्राफिक्स जब आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्फ एफिकेसी अमंग मेल एंड फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो मैं कहती हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लेने हैं, वो मेल और फीमेल होने चाहिए, वो बीएस के स्टूडेंट सारे वो इस यूनिवर्सिटी के होंगे, उनकी एज रेंज 10-15 ईयर्स होगी, वो एटलीस्ट फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो और उनका सीजीपीए एटलीस्ट 3 से अबव हो. तो दिस इज दी सैंपल और या डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स और डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उनको सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, डेमोग्राफिक्स भी उसके लिए टर्म यूज करते हैं. वुमेन्स ले रही हूँ, वर्किंग मैरिड वर्किंग वुमेन्स ले रही हूँ, तो मैं अपने सैंपल को कंप्लीट डिफाइन करूंगी उनके करेक्टरिस्टिक्स को, कि फीमेल्स हैं वो सारी मैरिड होनी चाहिए, वो वर्किंग होनी चाहिए, एटलीस्ट मैरिज ऑफ ईयर ऑफ मैरिज उनका 3 ईयर्स होना चाहिए, दे हैव शुड हैव एटलीस्ट 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो ये सारा मैंने डिफाइन कर लिया. इसी तरह अगर कोई वर्किंग के अंदर मैं किसी और एम्प्लॉयज को ले रही हूँ, तो मैंने उनका भी उनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी मैंशन करूंगी. तो ये सारे सैंपल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको आप कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं अपनी स्टडी के अंदर. देन कम्स टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी कॉल्ड द चॉइस ऑफ मैयर. इसको हम क्वेश्चन आयर का नाम भी देते हैं, इसको हम डेटा कलेक्शन टूल का नाम भी देते हैं, इसको हम स्केल भी कहते हैं. बहुत डिफरेंट टर्म्स इसके सिनोनिम्स इसके यूज होते हैं. आपको ये भी कहा, आपको सुपरवाइजर कह सकते हैं कि डेटा टूल कौन सा है आपका, या स्केल कौन सा है आपका, या आपका क्वेश्चन आयर कौन सा है. तो इट मीन्स योर चॉइस ऑफ मैयर विच आर यूजिंग टू मैयर योर वेरिएबल्स. अब स्केल या डेटा क्वेश्चन आयर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन उसको मिस्टेकन करते हैं, उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं लिकर्ट स्केल से. बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने प्रपोजल्स के अंदर लिख के भेज देते हैं कि वी using Likert scale. So keep in mind the Likert scale is only the response categories of your scale. वो कोई scale नहीं है. आपको पूछा जाता है कि are you happy, और आपको 4 options दी जाती हैं कि very happy, least happy, not at all happy. तो ये जो 3 या 4 categories होती हैं, this is basically the Likert scale, जो आपके response की categories होती हैं. ये कोई scale नहीं होता. हर चीज को measure करने के लिए एक आपका हर variable को या हर चीज को measure करने के लिए आपके पास एक instrument होता. अगर हम कहें कि टेम्परेचर है किसी को, तो टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए यू हैव अ थर्मामीटर. सिमिलरली आप अपने वेरिएबल्स जब डिसाइड करते हैं, उनको मेजर करने के लिए यू शुड हैव सर्टेन क्वेश्चन आयर इन योर हैंड. अब मैं सेल्फ एफिकेसी कहती हूँ कि मैंने मेजर करनी है अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मेल एंड फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो हाउ आई कैन मेजर. मैं कैसे, मैं जाकर उन्हें क्या ये कहूंगी कि आर यू सेल्फ एफिकेशियस और नॉट? ऑब्वियसली नॉट. मैं जाकर उनसे कोई क्वेश्चन होंगे जो मैं उनसे पूछूंगी, और उन क्वेश्चन के आंसर्स के बेसिस के ऊपर मैं एनालिसिस निकालूंगी कि ये स्टूडेंट जो है either they are self-efficacious or not. अब वो स्केल आपको कहां से मिलेगा, वो इंस्ट्रूमेंट कहां से मिलेगा, दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन यू हैव टू गो टू द लिटरेचर, और आपको डिफरेंट रिसर्चेस के अंदर या डिफरेंट गूगल में डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको स्केल्स ओपन पड़े होंगे, अवेलेबल होंगे, जिनको आपको परचेज करने की या उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी. आप उनको इजिली यूज कर सकते हैं. जब स्केल को आपने ढूंढ रहे हैं, तो अगेन जो चीजें आपने जहन में रखनी है कि उस स्केल के नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं. कोशिश करें कि नंबर ऑफ आइटम्स नॉट मोर देन 50 और नॉट मोर देन 100, क्योंकि इट इज अ बोरिंग पार्ट फॉर द इन टर्म्स ऑफ, अगर हम कहें कि
सैंपल के आप जब सैंपल को देंगे क्वेश्चन आयर, और आपके अगर दो क्वेश्चन आयर्स हैं कि आपने सेल्फ एफिकेसी और आप सेल्फ एस्टीम मेजर कर रहे हैं और दोनों का आपने स्केल लिया, एक के 50 आइटम्स है दूसरे के 100 आइटम्स, और 150 आइटम्स का कोई स्केल अगर आप किसी को एक को देंगे फिल करने के लिए, तो इट्स क्वाइट बोरिंग और इट्स क्वाइट हेक्टिक फॉर हिम और हर के वो उसको करे, तो अपना उसको फिल करे. आप अपने सैंपल, अपने डेटा कलेक्शन टूल को, अपने क्वेश्चन आयर को कोशिश करें लेस नंबर ऑफ उसके अंदर क्वेश्चन हों, ताकि उनके लिए पार्टिसिपेंट्स के लिए भी और आपके लिए भी, कि जब आप उसको SPSS पे एंटर कर रहे होंगे आपके लिए तो एक क्वेश्चन आयर नहीं है ना. अगर आप 200 का डाटा लेते हैं और आपके टोटल नंबर ऑफ दो क्वेश्चन आयर्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 200 है, 200 मल्टीप्लाई 200, देन यू हैव टू एंटर 400 को रिस्पॉन्सेज इन योर SPSS, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग और एक रिगरस एक्टिविटी है. तो मैयर को चॉइस करते हुए नंबर वन थिंग आपने देखना है कि वो मैयर लेना है जो कि जिस चीज को मैयर कर रहा हो. सेल्फ एस्टीम है तो आइदर यू स्केल इज मेजरिंग सेल्फ एस्टीम, तो फिर आप ले सकते हैं. ओके okay. आपने नंबर ऑफ आइटम्स देखने हैं, अगर कोई ऑप्शन नहीं है लम लेंथी ही है तो आप ले कोई नहीं है, लेकिन ट्राई टू सेलेक्ट अ फ्यूर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर सेम इन योर क्वेश्चन आयर. फिर नंबर टू, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सेल्फ डेवलप मैं खुद बनाऊंगा. देखिए क्वेश्चन आयर स्केल डेवलपमेंट एक रिगरस टास्क होता है, एक कंप्लीट एक्टिविटी है जिसके अंदर उसके डिफरेंट अपने एक स्टेप्स होते हैं. क्वेश्चन आयर डेवलप करने के लिए आपको उसकी वैलिडेशन करनी पड़ती है, उसकी रिलायबिलिटी करनी पड़ती है, उसके ऊपर डिफरेंट लिटरेचर का डिसाइड होता है, तो वो एक अपना एक अलग से स्टडी होती है, इटसेल्फ एक स्टडी है वो. आप इस तरह से इस लेवल के ऊपर एक क्वेश्चन आयर डेवलप नहीं कर सकते हैं. आपने वेल डेवलप्ड वेल एस्टैब्लिश्ड जिनकी साउंड साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हो, आपने वो स्केल सेलेक्ट करना है और वो यूज करना है. सो अवॉइड दीज मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग योर प्रपोजल कि आपके स्केल क्या है. लिकर्ट स्केल नो. आपका स्केल क्या है, मैं अपना स्केल खुद डेवलप करूंगा. नो. आपने वेल डेवलप वेल एस्टैब्लिश साउंड साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज वाला एक स्केल लेना है जिसके कोशिश करें नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा ना हो. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जितने वेरिएबल्स आपकी स्टडी के होते हैं उतने ही आपके क्वेश्चन आयर्स होते हैं. ऐसा ही है कि आपने दो वेरिएबलों को लेकर क्वेश्चन आयर्स लेने हैं उनको मेजर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप एक लेंगे. हाँ, सिवाय सिर्फ एक आप एकेडमिक अचीवमेंट अगर आप लेते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस लेते हैं, इन दैट केस वी विल टेक CGPAs ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है. लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई भी, आप कहते हैं मैं पेरेंटिंग स्टाइल्स और लीडरशिप स्टाइल्स को स्टडी कर रहा हूँ, तो यू मस्ट हैव टू स्केल्स इन योर हैंड, एक पेरेंटिंग स्टाइल्स का और एक लीडरशिप स्टाइल्स का. इफ यू कैन से दैट आई हैव थ्री वेरिएबल्स ऑफ दी पेरेंटिंग स्टाइल and their academic achievement, then you have three ways to measure these three variables. एक तो आपका CGP आ जाएगा, एक आपका academic parenting style का scale आ जाएगा, और एक आपका leadership style का scale आएगा. So don't ask this question again कि मैंने कितने scale use करने हैं. As much variables you have in your studies, as much you have the questionnaires in your hand. ठीक है. देन द चॉइस ऑफ द एनालिसिस आपके मैयर के ऊपर, आपके हाइपोथेसिस, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके टाइटल, आपका ऑब्जेक्टिव और आपके हाइपोथेसिस के ऊपर आपका एनालिसिस डिपेंड करता है. अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव में रिलेशनशिप का ऑब्जेक्टिव बनाए हैं कि आप किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देख रहे हैं, देन योर एनालिसिस शुड बी द कोरिलेशन एनालिसिस. और उसके अंदर भी अगर आपके वेरिएबल्स दो से ज्यादा हैं तो देन यू गो फॉर द एनोवा. अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस में डिफरेंसेस देख रहे हैं, आइदर दे इट विल बी जेंडर differences, वो एज differences हैं, वो क्या कहते हैं एज हो गया, जेंडर हो गया, या आप कोई भी और डिफरेंट ले लें, आप एक्सपीरियंस के हवाले से देख रहे हैं, आप इस तरीके से कोई differences देख रहे हैं, then you go for the independent sample t-test. और अगर आपने अपनी स्टडी के अंदर prediction किया है या impact को कुछ hypothesis and objective है कि मैं एक variable का एज का impact देख रहा हूँ उनकी further academic achievement के ऊपर या उनके learning styles के ऊपर, तो फिर आप अपना analysis regression पर ले आते हैं. जैसे जैसे आपके objectives and hypothesis बदल रहते हैं, आपका एनालिसिस उसके अकॉर्डिंगली होता रहता है. बेसिकली हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कोरिलेशन और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करें, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज और आपके पास टाइम लिमिट्स इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप उससे ज्यादा आगे जाए. ठीक है, यहाँ तक सब चीजें ऑल क्लियर? अच्छा, यहाँ तक अगर किसी ने रिलेटेड टू टाइटल ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस अगर कुछ समझ नहीं आया और वो पूछना चाहते हैं तो बताइए. हाँ जी, एनी क्वेश्चन मैम? इस सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी बाद में?
आई होप आप दिस Yes, ma'am, I क्वेश्चन. have a question. जी जी If the question here is in English language, but the population is illiterate, so should we need to translate that one? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, हमने अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए ही अपना जो है वो क्वेश्चन आया सेलेक्ट करना है. आपकी पॉपुलेशन इलिटरेट है तो आप इंग्लिश वर्जन का नहीं यूज करते हैं. इस कंडीशन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्केल्स जो कि अभी पाकिस्तान में जिन पे काम हुआ वह उर्दू वर्जन में अवेलेबल हैं. लेकिन अगर आपके वो स्केल्स उर्दू पॉपुलेशन में अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं यूज कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी क्या करते कहते हैं कि हम उनको उर्दू में एक्सप्लेन कर देंगे. नहीं, जब आप उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं तो उसने तो वो भी एक इटसेल्फ अनदर स्टडी है. पॉपुलेशन इलिटरेट डिसाइड करें जब आपके हाथ में उर्दू वर्जन का क्वेश्चन आयर मौजूद हो, नहीं तो अपनी पॉपुलेशन डिफरेंट रखेंगे आप. नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मैक्स एटलीस्ट जो अभी किस क्वेश्चन किया है बुशरा, आप नॉट लें देन यू गो फॉर 200 नंबर एज वेल. क्योंकि 200 आपको इजीली मिल जाता है. आप डॉक्टर्स ले रहे हैं आप, लेकिन आप कुछ ऐसा सैंपल ले रहे हैं जो कि इजीली अप्रोचेबल नहीं है, जिसको मिलना मुश्किल है, देन उसको हम 100 प्लस में ही रखते हैं. उसको हम ज्यादा नहीं आगे लेके जाते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम मैम. मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम ये टॉपिक जब लिखेंगे तो टॉपिक के अंदर ही हम रिलेशनशिप बता सकते हैं कि जो दो का टॉपिक से अगर रिलेशनशिप है कि नहीं. हम सिर्फ जैसे कि आप मैंने कुछ मीडिया वायलेंस एंड होगा, मुझे ये कंफ्यूज के अंदर रिलेशनशिप बताएंगे कि नहीं. जब हाइपोथेसिस बनाएंगे तो तब हम दो चीजों का रिलेशनशिप बताएंगे. नहीं बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक टाइटल शुड बी क्लियर इनफ कि आप ने अपने टाइटल में ही एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रिलेशनशिप आप सेल्फ एस्टीम को और मेजर करिए और एकेडमिक अचीवमेंट अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो आप टॉपिक और टाइटल ऑफ योर स्टडी शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एस्टीम एंड एकेडमिक अचीवमेंट अमंग फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. आप ये भी मेंशन क्लियर करते हैं कि क्या ये आप मेल में स्टडी कर रहे हैं, आप फीमेल में कर रहे हैं, आप कहाँ कर रहे हैं. ओके मैम, थैंक यू. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? मैम, वालेकुम सलाम. उनके बारे में आप बता सकते हैं? एक वक्त में एक बोले, आवाज बहुत. बोले हेलो, आवाज नहीं आ रही बच्चे, ऊंचा बोलिए. हेलो. ओके मैम, आई हैव अ क्वेश्चन राइट नाउ. दैट इज इट नेसेसरी दैट वी गो पर्सन बाय पर्सन टू टेक द डेटा और इफ वी यूज गूगल शीट इन प्लेस ऑफ इट. Sorry, come again, please, Waleed. Yes, is it required to go person by person to collect the data? Okay. Yes. Okay. It depends on your topic or it depends on your variables, na? कि आप किस तरह का variable है. आपने, for example, again मैंने कहा आपने students ले लिए हैं. आपने Google form आप बहुत सारे students जो हैं वो नॉर्मल. तो अगर आपका population university student और आपके पास स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी इस तरह अवेलेबल है, आप गूगल फॉर्म बनाएंगे और उसको सर्कुलेट कर डिक्ट हो जाएगा. और अगर आपका कोई टाइट वेरिएबल्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको पर्सनली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हैं, आप बैंकर्स ले रहे हैं, तो उनकी एक्सेस इस तरह से आपके पास नहीं है, तो देन यू हैव टू गो पर्सनली टू देम. ओके, थैंक यू. ओके, यहाँ पर ये
कुछ थोड़ी सी चीज मिस हो गई थी ऑब्जेक्टिव्स की, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको. आपके स्टडी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, जैसा भी बताया मैंने आपको, वो क्लियर कंसाइज होनी चाहिए और एक द वेरिएबल की डायरेक्शन को मेंशन कर रहे होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स का ये थोड़ा सा स्पेसिमेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से लिखने होते हैं. जैसे अभी आपने भी कहा ना, टाइटल ऑफ द स्टडी की बात की, टाइटल ऑफ द स्टडी किस तरह से होता है, तो टाइटल ऑफ द स्टडी भी इसी तरह से आपने लिखना होता है कि आपका, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो आपका टाइटल भी यही होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. फिर जब आप ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए कि टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप अब बिटवीन दिस एंड दिस. फिर अगर आप जेंडर डिफरेंसेस भी देख रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह से हो जाएगा कि टू फाइंड लाइफ सेटिस्फेक्शन अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. अगर सेल्फ एस्टीम के हवाले से भी जेंडर डिफरेंस देखना चाह रहे हैं तो तीसरा वो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा. और फिर अगर आपने रिलेशनशिप वैसे ही देख लिया है तो, और अगर इसी तरह से आपने जितने जितने आपके वेरिएबल्स होंगे उनका वन बाय वन आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली आपके हाइपोथेसिस बन जाएंगे. हाइपोथेसिस इज अगेन बेसिकली द इंटेलिजेंट गेस होता है या एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो आपकी बेस कर रही होती है आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. आपने जब अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है तो जिस तरह के आपके, तो आपने हाइपोथेसिस उसी के अकॉर्डिंगली कि देयर इज लाइकली टू बी अ रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. और फिर अगर जेंडर डिफरेंसेस का आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था तो उसके अकॉर्डिंगली आपका हाइपोथेसिस आ जाएगा. ठीक है, ये सैंपल की चीजें मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं कि एज रेंज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और क्या कहते हैं, जॉब एक्सपीरियंस, हर चीज इसके अंदर आएगी. और इसकी तरह इंक्लूजन है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, सैंपल में वो इंक्लूड हो जाएंगे और तमाम पेरेंट्स जो टू पेरेंट्स हैं वो नहीं होंगे. आप कहते हैं मैंने सारे अनएम्प्लॉयड पर्सन लेने हैं तो वो तमाम लोग जो अनएम्प्लॉयड है वो आपके सैंपल में एक्सक्लूड हो जाएंगे. अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखें कि सैम्पलिंग टेक्निक आपने कौन सी सेलेक्ट करनी होती है. मोस्टली सोशल साइंसेज के अंदर कन्वीनियंस सैम्पलिंग या पर्पजिव सैम्पलिंग यूज होती है. अब बेसिक डिफरेंस कन्वीनियंस और पर्पजिव में क्या है, या हम किस तरह से स्क्रूटनी करते हैं कि हम कन्वीनियंट यूज कर रहे हैं या हम पर्पजिव यूज कर रहे हैं. व्हेन यू हैव अ डेफिनेट और सेट क्राइटेरिया फॉर योर सैम्पल सेलेक्शन, कि आप कहते हैं कि मैंने फीमेल्स ही लेनी है, ऑल शुड बी मैरिड, ऑल शुड बी एम्प्लॉयड एंड ऑल शुड हैव अ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 and 3 years, देन दिस इज द पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक. क्योंकि आपने एक डेफिनेट क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि मेरा सैंपल इस तरह का होना चाहिए. यू आर वर्किंग ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन योर पर्पस. लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लेने हैं, वो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो भी उनकी एज रेंज हो, नो प्रॉब्लम, तो वो आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग आ जाता है विच इज बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस. कि आप कहते हैं आप जाएंगे और जो आपको डाटा मिलेगा आप वो ले लेंगे. स्नोबॉल सैम्पलिंग भी हम अपनी रिसर्च में सोशल साइंसेज में यूज करते हैं, लेकिन वो इन डैट केसेस यूज होती है कि कुछ ऐसा सैम्पल है जो कि आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने कुछ इम्यून डिजीजेज के ऊपर काम करना है, एड्स के ऊपर मैं काम करना है, उसका सैम्पल आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा अपने एनवायरमेंट में. आपको एक पर्सन जो कि अफेक्टेड है आपने उससे कांटेक्ट किया, उसने आपको 3 लोगों से और मिलवा दिया, उस 3 लोगों ने आपको मजीद 6 लोगों से कांटेक्ट करा दिया. तो दिस इज द स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसके अंदर वो भी आप कुछ हद तक यूज करते हैं. लेकिन रैंडम, सिंपल रैंडम या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग ये साइंस की रिसर्चेस में यूज होती है, हमारे यहाँ इसकी कम इस्तेमाल होता है. अच्छा, ये मैंने आपको स्केल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी. इट इज अ सैंपल ऑफ द स्केल विच इट लुक्स लाइक, कि कुछ लोग बच्चे कहते हैं कि किस तरह होगा. तो एक स्केल जो होता है, जैसे अब ये एग्जांपल है रोसेनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल, स्केल है, इसके नंबर ऑफ आइटम्स हैं और जो ये आपको स्क्रीन पर स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री शो रहा है, दिस इज बेसिकली द लिकर्ट स्केलिंग. ये 4-point लिकर्ट स्केल है. अगर ये 7 options होंगी तो इसको हम 7-point लिकर्ट स्केल कह देंगे. इसके अंदर हो सकता है कुछ स्केल्स में सिर्फ 3 options हो, कायदा यू एग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री. तो स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री या न्यूट्रल, तो ये 3 है, तो वो 3-point लिकर्ट स्केल है. आपने इस तरह का कोई भी अपने रिसर्च के लिए स्केल ढूंढना है और फिर उसको अपने रिसर्च में यूज करना है. ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ सारी कि आपने एनालिसिस जी. मैम अगर मैं रिसर्च करूँ जैसे स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है,
तो मैं वो सिलेक्ट करूँ, सिर्फ वो ही सिलेक्ट कर सकती हूँ उसके रिलेटेड टॉपिक? शुड नॉट, योर टाइटल और योर टॉपिक इज नॉट स्किज़ोफ्रेनिया. व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया? आप स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर व्हाट इज मेंट बाय द बाय योर वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया? आप स्किज़ोफ्रेनिया तो एक डिसऑर्डर है, उसके सिम्टम्स हैं. क्या आप स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के साथ काम करना चाह रही हैं? आप केयर गिवर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के साथ काम करना चाह रही हैं? इफ यू वॉन्ट टू वर्क विद द स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, तो क्या देखना चाह रही हैं? क्या आप उनके साइकोलॉजिकल कोरिलेट्स देखना चाह रही हैं? उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन देखना चाह रही हैं? उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखना चाह रही हैं? उनका मीनिंग इन लाइफ देखना चाह रही हैं? व्हाट डू यू वांट टू स्टडी विद दिस स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट, वो आपने आइडेंटिफाई करना है. स्किज़ोफ्रेनिया तो एक बहुत बड़ी डोमेन है ना, कि मैंने स्किज़ोफ्रेनिया पे काम करना है. क्या काम करना है ये आपने डिसाइड करना है. ओके मैम, ओके. फिर उसके मैम सिर्फ एक ही वो डिसऑर्डर सिलेक्ट करना है? मैं स्किज़ोफ्रेनिया प्रोजेक्ट एक ही पे होगा या फिर दो तीन और भी ले लूं मैं साथ? बच्चे अगेन, अभी मैंने आपको बताया कि ये आपकी, आपने डिसाइड यही तो करना है कि आपने क्या करना है. आप कहती हैं कि मैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन देखना चाह रही हूँ, कि क्या वो अपनी लाइफ से मुतमईन है और उनकी जिंदगी की क्वालिटी क्या है. तो दीज आर योर टू वेरिएबल्स. आप कहेंगी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिक फीमेल्स, ठीक है? Will be helpful for me. हाँ, you've been speaking for so long, so I thought I should take over. बच्चों, एक चीज आपको अभी तक भी क्लियर नहीं हो रही. Whenever you are researching, आपने कोई भी वेरिएबल लिया, कोई भी आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप एक तो क्लियर हो कि आपने करना क्या है, पहली चीज ये है. आप बहुत क्लियर हो. और दूसरी बात ये है कि उस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंतहाई एक्सटेंसिव स्टडी होनी चाहिए आपकी. आपके दिमाग में एक चीज आई, आप ऐसे नहीं उठ के अपने टीचर को भेज देंगे कि ये मेरा टॉपिक है. आप उसको थॉरो स्टडी करेंगे कि प्रीवियस स्टडीज उसके बारे में क्या कहती हैं. रिसर्च हवाई नहीं होती. यू आर नॉट डूइंग एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, ठीक है? आप सोशल साइंसेस की रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए. अभी आप एक बच्चे ने सवाल किया स्किज़ोफ्रेनिया अकेला ही हो गई कोई. बच्चे, क्या रिलेशनशिप आप स्टडी कर रहे हैं? क्या आपके सैंपल में दो ग्रुप्स हैं? आप एक वेरिएबल का रिसर्च किसके ऊपर करें? स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर क्या रिसर्च कर रहे हैं आप? कुछ ना कुछ तो जहन में होगा. और अगेन मैम, नबिया बहुत क्लियरली पहले आपको ये बता चुकी हैं, हालांकि शायद ओरिएंटेशन सेशन में इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत ग्रेसफुली और बहुत एक्सटेंसिवली आपको बताया है कि रिसर्च में उसकी फिजिबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है. आप अपना टाइम स्पेंड देखें, आप ये देखें कि आप कर क्या सकते हैं. वी डोंट वांट एनी नॉवल आइडियाज फ्रॉम यू पीपल. आई मीन इट्स गुड इफ यू कैन डू दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिसर्च करते हुए उसकी फिजिबिलिटी और उसका सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप लिटरेचर में पहले क्या है और आप उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, ठीक है? सो फर्स्ट जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो ये पढ़े बगैर नहीं होगी. आप गूगल स्कॉलर पे जाएं, सब मैं आपको उसका सिंपल तरीका बताती हूँ. गूगल पे लिखें गूगल स्कॉलर और वो आ जाएगा. जो भी कोई रिलेशनशिप आपके जहन में आता है, जैसा कि आप देखना चाह रहे हैं कि इंटरनेट एडिक्शन और साइकोलॉजिकल वेलबींग का क्या रिलेशनशिप है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल, तो आप इसको लिखें और देखें कि किन किन डायमेंशन में ये स्टडी हुआ है. अब स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर लाखों रिसर्चेस मिलेंगी आपको, बस उसकी 1,00,000 डायमेंशंस भी होंगी शायद. आप क्या करना चाहते हैं? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोफ्रेनिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सैंपल टू हैंडल फॉर यू एट दिस स्टेज. आई एम सॉरी, आप जिनके भी स्टूडेंट हैं वो भी आपको बाद में बता देंगे, लेकिन आपकी रिसर्च का रिगर हो, वी वॉन्ट इट, लेकिन आप उसको अपने लिए डिफिकल्ट मत बनाएं. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन टू दिस. तो आप जरा एक थॉरली ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर अपने सुपरवाइजर्स के पास जाइए कि आपने क्या करना है. अगर आपका सुपरवाइजर आपसे कुछ पूछता है कि आपने वही क्वेश्चनियर, मायरिंग टूल, मायर डिफरेंट चीजें, वर्ड इस्तेमाल जो होते हैं इसके लिए, वो आपसे पूछते हैं, आप क्लियर हो उसके बारे में. बहुत दफा रिस्ट्रिक्शन ये आएगी आपको कि आपको मायरिंग स्केल नहीं मिलेगा मायर करने के लिए उस वेरिएबल को, ठीक है? आपको क्वेश्चनियर नहीं मिलेगा जिससे आप एक सर्टन वेरिएबल को मायर कर सकेंगे. ये सारी बातें जहन में रखें, ठीक है? नबिया, कितने मैक्स, कितने वेरिएबल्स के साथ काम करना है मिनिमम इन्होंने? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन देयर एक्सपर्टीज इन देयर टाइम कंस्ट्रेंट.
और अगर आपको काम कराना चाहती हैं, टाइम है भी, अभी अप्रूवल सिर्फ प्रपोजल ही पे काम करना है और नेक्स्ट सेमेस्टर में डाटा कलेक्शन करनी है, तो ये जितना एनालिसिस पे भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि जितने वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस हो जाएगा, तो क्या एक्सपर्टीज है, इनकी एक्सपर्टीज उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है, ये उसने उस चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। और फिर रिसर्च में कहते हैं खिलाड़ा खिलाना तो बहुत आसान होता है कि आप कहें कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी स्टडी करना है, आप सिंपल रखें अपनी रिसर्च को, प्रिसाइज रखें ताकि आप उसको टाइमली, क्योंकि इसका मकसद सीखना है, अभी आपका बहुत इनिशियल फेज है, आपने सिर्फ सीखना है कि व्हाट द रिसर्च इज अबाउट, हाउ टू कंडक्ट द रिसर्च, हाउ टू कलेक्ट द डाटा, हाउ टू रन एन एनालिसिस एंड हाउ टू रिपोर्ट अ रिसर्च, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपने रिसर्च। एक बात याद रखिएगा, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, आइदर यू आर माय स्टूडेंट और आमनाज और मैम नबियाज और हूएवर, हमने इधर आइडेंटिफाई किया ही नहीं ना, अभी सब स्टूडेंट है सारे, जो हूएवर यू आर, मतलब ये नहीं मैं अपने स्टूडेंट को नहीं ये कह रही, ये सबके लिए कलेक्टिव है। आप जिस भी सुपरवाइजर के पास जाएंगे, मतलब जब भी आप अपने सुपरवाइजर के पास जिस भी टॉपिक के साथ जाएंगे, आप उसको थॉरली स्टडी करके आएंगे, आपका टीचर आपसे डिस्कस करेगा, आप उसको बताएंगे कि मैम ये रिसर्चेस सिग्निफिकेंट, कोई दो चार तो आपको पता ही होनी चाहिए, इन इन डायमेंशन में हुई, ये आप लिमिटेशंस उसकी लाजमी पढ़ें और फ्यूचर डायरेक्शन जो होती हैं डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स में होती हैं वो आपने लाजमी पढ़नी है, आपने बहुत सारे रिसर्च आइडियाज में, बेसिकली इट्स अ की कि आपने जो रिसर्च पढ़नी है उनकी फ्यूचर रिकमेंडेशंस ही पढ़नी है, उन रिकमेंडेशंस में आपको अपनी रिसर्च का आंसर मिलता है कि आपने क्या करना है, क्योंकि उनमें दिया हुआ होता है कि आइंदा फॉर द फ्यूचर आप ये वेरिएबल्स एक्सप्लोर करने चाहिए, हमने ये नहीं किया इस रिसर्च को, इन वेरिएबल्स को इनके साथ एक्सप्लोर करना चाहिए, तभी आपको अपनी रिसर्च की डायरेक्शन मिल जाती है कि ओके दिस ये काम हो गया है, मैं इससे आगे ये काम कर सकती हूँ। मैम नबिया ने आपको बहुत सारी जो चीजें पहले बताई है ना, सैंपलिंग टेक्निक्स और ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्लीज बी श्योर ऑफ दिस थिंग कि ये रिसर्च आपका काम है, ठीक है, हम आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे हैं, प्लीज फिजिबिलिटी को जहन में रखें, टाइम लिमिट को जहन में रखें, अपना होमवर्क करके अपने प्रोफेसर के, अपने टीचर के पास आए, अपने इंस्ट्रक्टर के पास आए, वो आपको फिर बताए सुपरवाइजर कि हाँ ये ठीक है, जितना क्लियर आप होंगे आपका टॉपिक उतनी ही जल्दी अप्रूव होगा। आपको स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं की जाएगी कि आप ये कहें कि मैं सुपरवाइजर के पास जाऊंगी, सुपरवाइजर मुझे टॉपिक का टाइटल दे देगा और मैं उस पर काम कर लूंगी, नो, अब बिग नो फ्रॉम ऑल द सुपरवाइजर्स, आपने लेकर आना है, हम आपको गाइड जरूर करेंगे, हम आपको पॉलिश उसमें जरूर करेंगे कि इसके अंदर ये ऐड कर लें, ये चीज निकाल दें, ये सही है, ये सही नहीं है, ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ये स्केल सही नहीं है, एक और स्केल लेकर आए, आपको हम पॉलिश करेंगे और गाइड करेंगे, लेकिन काम आपने खुद करना है, बिकॉज इट्स योर रिसर्च, इट्स योर लर्निंग, आपने सीखना है कि रिसर्च कैसे करनी है, ये आपकी बेस है जो बन रही है, आप इसके बाद अपने हायर डिग्री प्रोग्राम्स में जाएंगे तो वहां जाकर आपको इस लर्निंग से फायदा होगा, आप फर्दर मजीद आगे की रिसर्च करेंगे। मैं अप्रिशिएट करूंगी आप सबको, क्योंकि दो सेमेस्टर्स बड़ी, सिक्स सेमेस्टर, सिक्स एट आवर्स जो है एक अच्छा टाइम है, अच्छी रिसर्च प्लान करें, सिंपल अच्छी, जो आप आगे जाके पब्लिश भी करा सके अपने सुपरवाइजर्स के साथ, और वो जरूर आपके साथ इसमें कॉपरेट करेंगे कि आप अपनी रिसर्च, क्योंकि आपकी रिसर्च पब्लिश होगी तो पब्लिकेशन के मार्क्स होते हैं फॉर योर एमफिल, फॉर योर एमएस लेवल, आगे जाके जहां आप पीएचडी में जाते हैं तो उस पब्लिकेशन के मार्क्स भी होते हैं। रिसर्च अच्छी कंडक्ट करें, अच्छे वेरिएबल्स करें, सिंपल करते हुए भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और उसको फिर आगे भी लेके परस्यू करें अपनी रिसर्च को अपने सुपरवाइजर्स के साथ मिलकर। और किसी ने मिस आमना, मिस सना कुछ ऐड करना है यहाँ पे, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू डॉक्टर नबिया, नी काइंडली कैरी करो। ठीक है, अगेन देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपने कुछ लोग रेफरेंस लेटर की भी डिमांड करते हैं या डाटा कलेक्शन लेटर भी चाहिए होता है, रेफरेंस लेटर भी हम आप इशू करती है यूनिवर्सिटी टू फैसिलिटेट देयर स्टूडेंट्स। आप अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, यूनिवर्सिटी हो गई या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे डिमांड कि आप रेफरेंस लेटर लेकर आए कि देन वी अलाउ यू फॉर द डाटा कलेक्शन, तो आपको इशू किया जाएगा। जस्ट सेंड एन ईमेल रिक्वेस्ट टू योर सुपरवाइजर जिसमें मेंशन करें अपना टाइटल, अपना सुपरवाइजर का नेम, आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको और किस डिपार्टमेंट के लिए परमिशन चाहिए
चाहिए आप पूछिए, आप लिखिए, आपको रेफरेंस लेटर इशू हो जाएगा. रेफरेंस लेटर रिसर्च वर्क के लिए जो है वो क्या कहते हैं आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल ही मिलता है. ऐसा नहीं है आज आप कहें कि मुझे रेफरेंस लेटर दे दें, नो. पहले आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपको रेफरेंस लेटर इशू हो सकेगा. देन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिटन वर्क. आपने अपना एक चीज जो बहुत जनरल रूल्स हैं, आपकी असाइनमेंट सिर्फ LMS पे एक्सेप्ट होगी, उसके अलावा आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ना ही ईमेल पर, ना ही किसी और फॉरम स्काइप पर. आपने अगर इन केस यू हैव सम, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स आपके कोई ना कोई इशू हो सकता है, हम उस चीज को टोटली अंडरस्टैंड करते हैं. आपकी कोई इलनेस हो सकती है, घर में किसी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी और शादी है, कुछ भी है, तो अपने सुपरवाइजर से कॉन्टेक्ट करें विद इन ड्यू डेट कि मैं आज जो है वो ड्यू डेट पे नहीं करा सकता, काइंडली अकोमोडेट मी, मुझे एक दिन दो दिन दे दें. इफ सुपरवाइजर अलाउ यू तभी आप अपनी असाइनमेंट ईमेल पे सबमिशन करा सकते हैं, अदरवाइज नो असाइनमेंट विल बी एंटरटेन थ्रू ईमेल. ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट्स अच्छी खासी आपको टाइम दिया जाता है, आपको 1 week अप्रॉक्सीमेटली हर असाइनमेंट में दिया जाता है कि आप उसके अंदर अपनी असाइनमेंट सबमिट करा लें. तो अपना काम उस ड्यू डेट के अंदर करें, उस ड्यू डेट के बगैर आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा, आपको फिर नेक्स्ट असाइनमेंट में ही अकोमोडेट किया जाएगा. उसके बाद स्टूडेंट शैल बी डिक्लेयर्ड फेल एंड स्ट्रिक्टली डेल्ट इफ कॉपीड. अगर आपकी असाइनमेंट आपका प्लेजरिज्म चेक होगा, आपकी असाइनमेंट आप जरूर हेल्प लें, डिफरेंट सोर्सेज से हेल्प लें, जर्नल देखें, बुक्स देखें, आर्टिकल्स देखें, वेबसाइट देखें, दूसरे स्टूडेंट के काम को देखें. बट आपने वो काम चैट GPT अब नया एक हमारे इंट्रोड्यूस हो गया, आप उस पर करा रहे हैं, आप बेशक करें, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद आप उस काम को, वहां से लिए गई चीज को अपने वर्ड्स में, अपनी एफर्ट्स के साथ उसको चेंज करके फिर हमें प्रेजेंट करें. आपने एज इट इज कहीं से कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी है. अगर इस सूरत में डायरेक्टली आपकी हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और आपका वर्क फेल क्लियर हो जाएगा. आपसे वही बच्चे डिक्लेयर होंगे जो पास डिक्लेयर होंगे रिटर्न वर्क में, उनको कॉल की जाएगी. ये बात बहुत दफा मैं बता चुकी हूँ, इसलिए एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर इस चीज को लेके कोई स्टूडेंट ईमेल या क्यूरी ना करे कि हमने काम नहीं किया लेकिन हमारा प्रपोजल डिफेंस करा लें. प्रपोजल डिफेंस नहीं होगा आपका, और अगर आपका प्रपोजल डिफेंस नहीं होगा, आप नेक्स्ट सेमेस्टर की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी. नेक्स्ट सेमेस्टर में 4BB की ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी, आपको ये कोर्स दोबारा रिपीट करना होगा. दो स्टूडेंट्स हु विल बी एबल टू डिफेंड द रिटर्न वर्क बाय प्रेजेंटिंग इफेक्टिवली एंड आंसरिंग द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द पैनल विल बी डिक्लेयर्ड पास. ये बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ये वही बातें जो है वो हो रही है रिपीट. स्टूडेंट इसलिए आपको जैसे बताया कि आपने प्रपोजल, प्रपोजल डिफेंस दोनों चीजें इस कोर्स को पास करने के लिए बहुत जरूरी है, रिटर्न वर्क और फिर प्रपोजल डिफेंस. अगर आप प्रेजेंटेशन में विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन नहीं आए हैं, आप फिर क्लियर फेल हो जाएंगे. और या फिर अगर आप किसी भी टेक्निकल किसी भी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कॉन्टेक्ट योर सुपरवाइजर. अपने सुपरवाइजर के साथ हमेशा कॉन्टेक्ट में रहा करें. आपके सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट करने के 3-4 मीडियम्स अवेलेबल हैं. आइदर यू कैन ईमेल देम, MDB, टिकट एंड स्काइप. आप हर तरह से अपने सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट में रहें. जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स डिफरेंट लोग बच्चों ने बनाए हुए हैं वो हम ऑफिशियल ग्रुप्स नहीं है. उन ग्रुप्स से अगर आपको कोई भी डायरेक्शंस मिलती हैं, कोई भी गाइडलाइंस मिलती हैं और उनकी बेस के ऊपर आप फेल हो जाते हैं, वी और एज ए सुपरवाइजर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. हमने जो गाइडलाइंस देंगे हम सिर्फ उस चीज के रिस्पॉन्सिबल है. एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आप कहते हैं कि मुझे कैंपस में ये चीज पर कैंपस मैनेजर कोई मैनेजमेंट से ये चीज बताई गई, मैंने तो उस चीज को फॉलो किया. अगेन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. आपके कैंपस मैनेजर इज नॉट योर कोर्स मैनेजर, योर सुपरवाइजर इज योर कोर्स मैनेजर. वो आपको मैनेज करेगा उस कोर्स के अंदर. कोई भी प्रॉब्लम सुपरवाइजर के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहें. सुपरवाइजर आपको हमेशा ईमेल अनाउंसमेंट के इन्फॉर्मेशन देंगे. आपकी पर्सनल मैसेज नहीं है, आपको कोई ईमेल में नहीं आएगी. आपको हमेशा LMS पे अनाउंसमेंट आएगी, सिवाय इसके कि आपको प्रपोजल डिफेंस की कॉल्स आपकी ना सिर्फ LMS पे भी आएगी, आपको हम ईमेल भी करेंगे. ईमेल के लिए एक बात ध्यान में रखें, वी विल नॉट कॉन्टेक्ट यू ऑन योर पर्सनल ईमेल IDs, वी विल ओनली कॉन्टेक्ट यू ऑन योर स्टूडेंट ईमेल ID. सो दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट एक्टिवेटेड देयर स्टूडेंट ईमेल IDs, अपने ईमेल IDs को एक्टिवेट करें. बाद में आप लोग कहते हैं हमें ईमेल नहीं मिली. हाँ, आप क्योंकि अपना पर्सनल ईमेल ID चेक कर रहे होते हैं, अपने स्टूडेंट ID को चेक नहीं कर रहे होते हैं, जबकि आपको जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस थ्रू योर सुपरवाइजर थ्रू योर यूनिवर्सिटी होती है वो सिर्फ आपके स्टूडेंट ईमेल आईडी पर होती है. अभी भी आज के सेशंस में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं अपने पर्सनल से आए हैं. अब वो हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते अपने पर्सनल ईमेल आईडी से नहीं. और इस दफा ये पहला सेशन था इसीलिए पर्सनल अलाउ किया गया है इसके बाद जो स्टूडेंट ईमेल आईडी पे होंगे सिर्फ उन्हीं को सेशन में एंट्री की इजाजत होगी.
another very important thing कि आपके supervisors available होते हैं आपको from Monday to Friday 8 to 5 PM before after 4 or 5 आपको अगर आप MDB कर रहे हैं तो you will get a response on another work next working day. अब वो next working day 2 दिन बाद है, आपने Friday को 5:30 बजे किया है और आपको जवाब नहीं आएगा, आप after one after another MDB करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपकी एक MDB हमारे लिए उतनी ही equally important है जितनी आपकी 6 MDBs होंगी. जवाब अब आपको ट्यूर यूनिवर्सिटी के टाइम ऑफिस वर्किंग आवर्स में ही मिलेगा और वो ऑफिस वर्किंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे 8 to 5 है. स्काइप पे कांटेक्ट करने के लिए भी सर्टेन रूल्स हैं. आप अपने सुपरवाइजर को ईमेल करें, उनको कहें कि मैंने आपसे बात करनी है, मुझे मीटिंग टाइम चाहिए. एंड डिपेंडिंग ऑन द सुपरवाइजर स्केड्यूल वो किस टाइम में आपको अवेलेबिलिटी अपनी है उनकी और वो आपको टाइम देंगे, देन यू आर अलाउड टू कॉल देम एट दैट टाइम. के अलावा वर्किंग आवर्स 5 o'clock के बाद सुपरवाइजर्स को स्काइप के ऊपर काइंडली कॉल मैसेज मत किया करें. अपने स्काइप ग्रुप्स में इररिलेवेंट टॉक करने की जरूरत नहीं है. आपने कोई भी इररिलेवेंट बातें करनी है अपने कुछ भी है आस्क. मैम थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया. मेरे एक क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा सा कि ये अगर कंपलसरी कौन से वेरिएबल है, मतलब हम 2 वेरिएबल कंपलसरी हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम कितने ले, ज्यादा से ज्यादा कितने ले सकते हैं, कम से कम कितने ले सकते हैं? आपको मैं आप हो सकता है एक वेरिएबल अब ये डिपेंड करता है आपने एक वेरिएबल ये है कि आपने एक वेरिएबल लिया है, आपने पॉपुलेशन 2 सिलेक्ट कर लिया है. आप कहते हैं मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस ले रही हूँ अपने वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, तो हियर योर वेरिएबल इज 1 बट योर पॉपुलेशन इज 2. आपने 2 पॉपुलेशन लिए हैं, आप 2 वेरिएबल्स लिए हैं, आप पॉपुलेशन 1 कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैं लीडरशिप स्टाइल देख रहा हूँ अमंग स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हो गए और आपकी पॉपुलेशन 1 हो गई है. कोई नंबर कंपलसरी नहीं है कि हम कहें कि 2 वेरिएबल्स कंपलसरी हैं, 3 वेरिएबल्स कंपलसरी हैं, 1 वेरिएबल. ये आपकी स्टडी है, आप डिजाइन करें. अगर वो सही प्लान हुई भी होगी, सही डिजाइन हुई भी होगी इन टर्म्स ऑफ योर डाटा, इन टर्म्स ऑफ योर सैंपल, इन टर्म्स ऑफ योर मेथोडोलॉजी जिसमें सैंपल डाटा और बाकी क्वेश्चनायर और एनालिसिस आता है, तो आपके सुपरवाइजर आपको गो अहेड दे देंगे. लेकिन अगर उसमें कोई लूप होल होगा सुपरवाइजर को लगेगा तो वो आपको गाइड कर देगा. मैम मेरा क्वेश्चन है कि मुझे क्वेश्चनेयर की समझ नहीं आई, वो हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे हमें वो मतलब करना होगा आगे. बच्चे क्वेश्चन आयर आई टोल्ड यू बिफोर, आपको इंटरनेट पे डिफरेंट रिसर्चेस में आपको अपेंडिक्सेस में अटैच होते हैं बहुत सारे, इंटरनेट के ऊपर पूरे पूरे थीसिस अवेलेबल होते हैं जिनके एंड पर क्वेश्चन आयर्स भी अवेलेबल होते हैं. डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि सिर्फ क्वेश्चन आयर्स को एड्रेस कर रही होती हैं, मतलब उनमें मौजूद होते हैं क्वेश्चन आयर्स. पॉजिटिव साइकोलॉजी की बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं. इसी तरह बहुत सारे ऑथर्स ने खुद पब्लिश किए होते हैं, वो आपको इजिली एक्सेसिबल होते हैं. आप डिपेंड करते हैं आपका टॉपिक क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन आयर ढूंढें. नेट पर आप लिखें कि डाउनलोड करना है, आपने फ्री डाउनलोड क्वेश्चन आयर का नेम या क्वेश्चन आयर का नेम .pdf आप लिख कर करें, तो आपको बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स होती हैं. ये टेक्निकली आपको पता चलता है कि आप कौन से की वर्ड्स यूज करते हैं और आपको चीज जल्दी अवेलेबल हो जाती है. ओके मैम, आई हैव अ क्वेश्चन दैट इफ वी हैव 2 वेरिएबल्स देन वी मस्ट हैव 2 क्वेश्चनेयर्स रिलेटेड विद इट. Yes, I told you before that if you have 2 variables and you go for the 2 questionnaires, but depending on the variables again, as I said before, ke if you have, for example, self-efficacy and academic achievement, then academic achievement doesn't need a questionnaire. You just go for the CGPAs. And another question is that if the t-test is about the 30 samples, not more than 30, so we can't use 30 as we have 100 samples. Required, so we can only go for the analysis of for any analysis, at least the number of samples should be 60 so that you get a good results, but you have to use more than 60 in your research because you have a 1 full semester and for the collection of the data, so you have to go for more than 100. Okay, thank you. I want to add something. Ji Sana, please.
स्टूडेंट्स आप लोगों को एक कंसर्न जो स्किल्स के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैडम ने जिस तरह आपको गाइड किया है कि वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोग नोट करें कि जो भी स्किल्स अवेलेबल होंगे उनके कॉपी राइट्स आप लोग ज़रूर चेक करें। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस तरह से किप किया है कि आप लोगों ने सिर्फ स्क्रीन शॉट लेके तो वो हम मुझे आपने भेज दिया है कि मैं ये स्किल यूज़ करना चाहता हूँ, जबकि कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिनके कॉपी राइट्स होते हैं वो विदाउट ऑथर परमिशन आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो ओपन टू यूज़ होते हैं वो आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएंगे और जो नहीं हो होते हैं उनके लिए आपको पहले ऑथर की ईमेल को सर्च करना है, आप उनसे परमिशन लेंगे फिर आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग रैंडमली किसी भी रिसर्च से या किसी भी थीसिस से स्क्रीनशॉट लेके वो स्केल यूज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस इट्स फ्री टू यूज। ठीक है, तो इस बात को भी आपने नजर में रखना है। थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। देखें, आप लोग अगर एंट्री रूट के थ्रू आए हैं तो आपने अभी बेसिकली आपकी सेमेस्टर अगर डिग्री का ड्यूरेशन 4 इयर्स है तो आपने उसको 4 इयर्स में ही कंप्लीट करना है। बेशक आपके कोर्सेज एग्जेम्प्ट हो गए हैं लेकिन टेक्निकली तो आपका वो पहला सेमेस्टर ही है ना, तो 499A और 499B आपको लग रहा होता है वो आपका एक्स्ट्रा सेमेस्टर है लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही होता है वो। अगेंस्ट आप लोगों की असाइनमेंट अब डिपेंड करता है डिफरेंट सुपरवाइजर्स के ऊपर। अगर मैं अपनी बात करूं तो आप मेरे जो स्टूडेंट्स यहां मौजूद हैं आपकी असाइनमेंट्स या आपके जो आइडियाज हैं वो ईमेल के ऊपर चेक नहीं होते हैं। अगर असाइनमेंट ओपन है यू हैव टू सबमिट इन योर LMS अपने असाइनमेंट में सबमिट कराएं और आपका फिर वही मार्क होगा। ये बात जहन में रखें कि असाइनमेंट जब सबमिट होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स फौरन ईमेल करना या MDB करते हैं कि जी हमने असाइनमेंट सबमिट करा दी है आप देख लें। अगेन दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने सबमिट करा दी है, आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई है। वहां पर जब सारी असाइनमेंट्स आफ्टर ड्यू डेट हमारे पास आएंगी हम उसको मार्क करेंगे, हम उसको दोबारा एंटर करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता कि टीचर आपको असाइनमेंट ओपन है आपने सबमिट करा दी हम आपकी मार्क करें और आपको बता दें, ऐसा इन माय केस नहीं है। बाकी मिस सईदा, मिस सना, मिस आमना भी मौजूद हैं, अगर वो अपने सुपरवाइजर्स को कुछ कहना चाहें, अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहें तो वो कह सकती हैं। इट गोज द सेम वे नबिया फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू। हाँ जी, अपनी असाइनमेंट टीचर को इंटीमेट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप मेरी असाइनमेंट सबमिट हो गई है देख लें या मिल गई है। हम आपकी असाइनमेंट हमें पता है LMS पे जैसे ही ड्यू डेट कंप्लीट होगी हमें मिल जाएगी। 2-4 डेज लगते हैं क्योंकि नंबर जो है वो बड़ा होता है, उसको मार्क करने में टाइम होता है और डिफरेंट इंगेजमेंट्स भी होती हैं सुपरवाइजर्स की। तो जैसे ही मार्क होता है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और हर सुपरवाइजर अप्रॉक्सीमेटली एक ही फॉलो करते हैं रूल्स। हम लोग एक सेशन जैसे ही असाइनमेंट ओपन होती है तभी भी सेशन रखा जाता है फ्रॉम योर सुपरवाइजर स्काइप सेशन और आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ असाइनमेंट तभी भी सेशन रखा जाता है आप लोगों को गाइड करने के लिए कि आपने असाइनमेंट में क्या चेंजेस करने हैं। बिफोर सबमिटिंग द फर्स्ट असाइनमेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू टॉक विद द सुपरवाइजर फर्स्ट, डिस्कस विद द सुपरवाइजर फर्स्ट एंड देन असाइन अपलोड द असाइनमेंट। देखिए इस सेशन के बाद अगर सुपरवाइजर्स अपने अपने ग्रुप्स में सेशंस अरेंज करेंगे और आपने तब तक आईडीए पे काम कर लिया होगा देन डेफिनेटली यू कैन डिस्कस विद देम और वो आपको गाइड भी करेंगे। प्लीज बी श्योर ऑफ दिस थिंग, इट वाज वलीद राइट, वलीद यू वर टॉकिंग। यस यस मैम। वलीद बी श्योर ऑफ इट दैट व्हेनेवर जी जी ये मेरा ही स्टूडेंट। हां जी, व्हेनेवर इट्स फॉर एवरी स्टूडेंट, व्हेनेवर यू कम अप विद एन आईडिया यू शुड हैव अ कंप्लीट होमवर्क ऑफ इट। ये रिसर्च आपकी है, आपने करनी है, आपके नाम से जानी है, ठीक है? हर चीज को इंश्योर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर एवरीथिंग। यू मस्ट हैव सम एम्पिरिकल एविडेंसेस, यू मस्ट हैव अ रैशनल, स्ट्रॉन्ग रैशनल टू वर्क ऑन अ सर्टेन टॉपिक, टू फाइंड आउट अ सर्टेन रिलेशनशिप, टू फाइंड आउट सर्टेन डिफरेंसेस अमंग सर्टेन ग्रुप्स। यू शुड हैव एन एम्पिरिकल एविडेंस फॉर दैट। रैशनल होना चाहिए, therefore why do you want to work on this specific thing, ठीक है? और मैं पहले भी यही बात कह चुकी हूँ, प्लीज कीप इन माइंड द फीजिबिलिटी।
विजिबिलिटी बहुत जरूरी है. अब डोंट जंप कि भाई बस मैं तो कोई बहुत बड़ी बड़ा काम करूंगा. बिल्कुल डू इट इफ यू कैन, बट बहुत केसेस में आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते वो. ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम ऑल द सुपरवाइजर्स. बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेमेस्टर, फॉर योर रिसर्च. अभी मजीद जो आप चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं हुई, मजीद अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, वो आप इंडिविजुअल सुपरवाइजर्स के साथ टाइम लें. कंसीडर योर सुपरवाइजर्स एज ए ह्यूमन बीइंग. उनको कोई भी मैसेज करते हैं, कोई भी ईमेल करते हैं, वेट फॉर फ्यू आवर्स. अगर आपने वर्किंग आवर्स में किया है, और अगर आपने वर्किंग आवर्स में नहीं किया है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट वर्किंग डे. डोंट डिस्टर्ब दैम आफ्टर द वर्किंग आवर्स ऑन स्काइप आफ्टर बाय रिपीटिंग कॉलिंग दैम रिपीटेटिवली. और बाकी थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड. ओवर टू ऑल ऑफ यू थ्री सुपरवाइजर्स, आप लोग अपने कंक्लूड कर दें. थैंक यू सो मच डॉक्टर नबिया, इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल ऑफ अस. बाकी सो वेरी मच फॉर ऑल द एफर्ट्स. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन एंड लिसनिंग टू अस. आई एम सॉरी इफ आई हैव इंटरप्टेड यू आमना. मैम आमना, आई हैवंट यू वर स्पीकिंग. थैंक यू मिस सईदा, इट्स ओके. Oh, I'm so sorry. Okay, so I will wind it up. Thank you, everybody. I hope that you are very clear. You have a time frame. That's why you plan your research. That's why you don't have any research. पढ़ के प्लान करें. कीपिंग सॉरी सईदा इंटरप्टिंग यू, कीपिंग इन माइंड के आप उसको पब्लिश भी करेंगे. तो हम इस तरह स्टूडेंट्स को लेकर आए, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम है जिसमें बहुत. तो प्लीज डू इट एंड वर्क हार्ड. दिस इज द की. उससे आपकी जान नहीं छूटेगी, और जो जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, उसमें कुछ सीखेंगे. तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. मैम नबिया, मैम सना इज विद अस. थैंक यू सो मच. यस, थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर लुकमान फॉर ऑल दैट. थैंक यू सो मच डॉक्टर. मैम नबिया, थैंक यू तो कहने आप सब लोग. थैंक यू सईदा, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. Thank you.